हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये होंडा की कार है, होंडा की वीरियो है। देख पा रहे हैं, होंडा की वीरियो है, 2013 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका एयर कंडीशन सिस्टम में फॉल्ट क्या आया है कि इसका कॉइल इवेपोरेटर कॉइल ना लीकेज हो चुका है। तो इस वजह से मैं इसका इवेपोरेटर कॉइल रिप्लेस करूँगा। तो इसका इवेपोरेटर कॉइल रिप्लेस करने के लिए अपने को डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड क्यों खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो इवेपोरेटर कॉइल है ना, इधर से निकल जाता है। ये ब्लोअर खोलेंगे आप, ब्लोअर खोलने के बाद ब्लोअर का पूरा सेटअप डक्टिंग पूरा खोलेंगे, खोलने के बाद ये निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं ये सब चीज़ें आपको खोल के आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्या क्या खोलना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड बता दिया कि डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है ये वाली गाड़ी की। तो चलो फिर मैं इसका इवेपोरेटर कॉइल खोलने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले ब्लोअर का सेटअप खोलूंगा, फिर आगे क्या क्या खोल रहा हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर मैं उस साइड चलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं इस साइड आ चुका हूँ। तो इस साइड सबसे पहले अपने को ये खोलना पड़ेगा, 10 नंबर, देख पा रहे हैं, ये वाली 10 नंबर खोलना पड़ेगा। उसके बाद एक यहाँ दिया है 10 नंबर, ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, ये सब खोलना पड़ेगा। ये सब वायर वगैरह खोलना पड़ेगा, ये केबल खोलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं खोलता हूँ, खोल के ब्लोअर की जो पूरा सेटअप है बाहर निकालता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं, ये निकाल चुका हूँ मैं, खोल दिया सब, भी अपना इजीली बाहर आ जाएगा। ये केबल निकाला हूँ, ये ब्लोअर की सॉकेट निकाला हूँ, और 4 10 नंबर खोला हूँ, ये बाहर आ जाएगा। इधर कुछ तो लग रहा है, क्लिप लगा हुआ था, वो निकल गया। ये देखो निकल गया ये। और यहाँ का, और यहाँ का जो एक फाइबर रहता है ना, ये किसी ने कट कर दिया। आप ये मत सोचना कि मेरी गाड़ी में ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी ने इसको ही निकालने के चक्कर में कट कर दिया है। हालांकि ये ऐसे ही खुल जाता है बगैर कट की हुए, लेकिन किसी ने कट कर दिया है गलती से। तो चलो फिर अब अपने को खोलने की ज़रूरत क्या है, ये रजिस्टेंस का, उसके बाद ये स्क्रू रहेगा, ये स्क्रू, ये स्क्रू, ये स्क्रू, और इसके अंदर साइड से यहाँ से भी स्क्रू रहता है, और एक ऊपर स्क्रू देख रहे हैं ये वाली। तो ये सब खोलता हूँ, इसको खोल के ये वाला पोर्शन में बाहर निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। कभी कभी कैसा होता है कि आप ये सब काम खुद कर सकते हो, खुद अपने घरों में कर सकते हो। बाकी कहीं अगर आपके पास साधन ना है करवाने का, आप अगर इंटरेस्टेड हो ये सब कामों से, तो आप खुद कर सकते हो। इसकी वजह से ये सब चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो चलो फिर ये सब स्क्रू में जितना बताया आपको, ये वाला फाइबर खोलने का अपने को, तो ये खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैं सभी स्क्रू खोल चुका हूँ, 1 2 3 4, 5 स्क्रू टोटल खोला हूँ यहाँ का। 5 स्क्रू खोलने के बाद इसको आगे खींचेंगे आप, निकल जाएगा ये, देख रहे हैं आप, निकल चुका। ये रही कूलिंग कॉइल का सेंसर, इसको यहाँ प्रेस कर देता हूँ मैं, निकल गया। ये रही एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ का ये दोनों जॉइंट खोल लेंगे तो ये इजीली अपना निकल जाएगा। तो एक्सपेंशन वाल्व के पास का जॉइंट निकाल देता हूँ मैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। इसमें एलन की लगेगी, वो खोल के फिर निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली देख पा रहे हैं आप, ये दोनों एलिंग की खोल दिया हूँ मैं। लंबे लंबे एलिंग की रहते हैं, क्योंकि पाइप और वाल को दोनों को साथ में कूलिंग कॉइल के साथ जोड़ता है, इसलिए ये बड़ा बड़ा एलिंग की दिया हुआ रहता है, और बाकियों में छोटा छोटा एलिंग की रहता है। पहले पाइप के साथ रहता है 10 नंबर यहाँ, उसके बाद फिर एक्सपेंशन वाल टू कूलिंग कॉइल रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, तो ये खोल दिया हूँ, और इसको ज़्यादा बैंड मत करना आप, थोड़ा सा ही बारीक सी ही निकालना इसको। ज़्यादा बैंड करेंगे तो फिर बैठाने टाइम आपको ही तकलीफ दे सकता है। इसको हिला हिला के थोड़ा, ये वाला पाइप थोड़े आपको थोड़ा अड़चन देगा, इसकी वजह से आपको मैं निकाल के ही दिखा रहा हूँ। जारा पाइप रहता है ना, इसकी वजह से निकलता नहीं जल्दी है। आप ऐसा ना करें कि पाइप नहीं निकला तो छोड़ दिए काम और करने का ही नहीं अपने को, चलो जाने दो,
निकलता नहीं है, अपने से होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को इतना तकलीफ़ दे रहा है तो आपको तो तकलीफ़ देगा ही ज़्यादा। बाहर का पाइप खोल देंगे तो और इजीली निकल जाएगा, लेकिन अपने को बाहर का खोलना नहीं है। निकल गया एक्सपेंशन वाल, ये रही एक्सपेंशन वाल, तो अब अपना कूलिंग कॉइल निकल जाएगा इजीली। थोड़ा सा इसको ऊपर या नीचे बेंड कर दे, ऊपर बेंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको अब पैप को थोड़ा ऊपर करके कूलिंग कॉइल को नीचे ले बाहर ले ले, तो वही करता हूँ मैं, करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना कॉइल निकल चुका, ये रही अपना जूना कूलिंग कॉइल। और लीकेज का सिस्टम आपको दिखा दे रहा हूँ, लीकेज दिख रहा है इधर से या नहीं, गीला कहीं, ये देखो कूलिंग कॉइल की हालत देख रहे हैं आप, देख पा रहे कैसा हो चुका है कूलिंग कॉइल, इस वजह से लीक हो गया, लीक होकर के सड़ने को आ गया। और ये रही नया वाला सेम कूलिंग कॉइल है, आपको इसका प्राइस भी मैं बता दे रहा हूँ, 32 से 3500 के बीच। तो ये रही नया वाला, देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश है, ओरिजिनल है। ये रही आपको मैं प्राइस बताया, जूनी वाली है, प्राइस कितना बताया, 32 से 3500 के बीच आपको ये नया मिल जाएगा। और इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन में कैसा, आपको कहीं कम रेट मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं ये पार्ट आपको 4000 तक भी मिल सकता है। और सबसे यहाँ जो इसका प्राइस जो है, मेन प्राइस ही मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही मिलेगा आप कहीं भी लेंगे तो, क्योंकि और कहीं भी कहीं कहीं कैसा है, सर्विस सेंटर है नहीं, तो वहाँ महंगा और भी ज़्यादा बढ़ता है, महंगा ज़्यादा महंगे रेट में मिलेगा आपको। तो चलो फिर नया वाला मैं फ़िटिंग करता हूँ, अंदर जैसे निकाला था वैसे ही फ़िटिंग करता हूँ, फिर एक्सटेंशन वाल वगैरह लगा के फिटिंग करके फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा आप देख पा रहे हैं, फिट कर दिया मैं इसको नया वाला। ये वाला वाल जो आप जब बैठेंगे ना तो उल्टा सीधा इसका देख हिस्सा एक ही जैसा रहता है, तो आपको चेक करना है ये वाला डिस्टेंस और अंदर का कूलिंग कॉइल का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम ज़्यादा रहता है, यानी कूलिंग कॉइल के अंदर जो बैठेगा तो उसका डिस्टेंस कम रहेगा, और पाइप में पाइप की तरफ जो बैठेगा तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से आप बैठा देना इसमें। तो फाइनली ये बैठ गया, और सेंसर को जो है जो पोजीशन से आप खोले हैं वही पोजीशन में बैठाएंगे, सबसे बेटर रहेगा, इधर उधर यानी इस तरफ बैठना चाहिए, तो उस पोजीशन में बैठाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो फिर ये सब मैं ब्लोर वगैरह सब तो फिटिंग हो गया, ये सब फिटिंग करके ब्लोर वगैरह फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये फिटिंग करना तो ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जैसा खोले थे वैसा ही ये बैठ जाएगा। बैठ गया, अब मेरे को स्क्रू लगाना बाकी है इसका, बैठ गया स्क्रू लगा करके फिर ब्लोर वगैरह सब बैठा करके फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिट हो गया पूरा, सब जैसा भी खोला था मैंने वैसे ही फिट कर दिया हूँ, देख रहे हैं आप सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। अब अंदर का काम मेरा कूलिंग कॉइल रिप्लेस करके हो गया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बस बाकी और कुछ नहीं। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो तभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा ना तो अच्छी तरीके से कम सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको आपके सामने वीडियो बना करके आपके सामने रखूँगा, ताकि
आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, बस यही है। तो चलो फिर मैं इसको गैस चार्जिंग प्रोसेसिंग में लेके जा रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ गैस चार्जिंग का प्रोसेस, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर गैस चार्जिंग को लेके जाता हूँ मैं इसको। तो बाहर मैं हाई वाला और लो वाला लगा दिया हूँ और इसको वैक्यूम में ले लेता हूँ। सिस्टम रिकवरी करने बोल रहे हैं। जरा बंद कर देता हूँ, रिकवरी कंप्लीट हो गया, इतने में अपना वैक्यूम हो जाएगा। दस मिनट के लिए वैक्यूम लगा देता हूँ। लीक टेस्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही लीकेज था और वो भी माइनर लीकेज था। तो आपको लीक टेस्ट करना है अगर, तो प्रेशर मार के चेक करना ही पड़ेगा, बगैर प्रेशर मार के लीक टेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो चलो फिर आप उन्हें वैक्यूम होने देते हैं, वैक्यूम होने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना वैक्यूम कम्प्लीट हो गया, अब मैं इसमें गैस चार्जिंग कर लेता हूँ। गैस चार्जिंग करने से पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ, 50 ml ऑयल है इसमें, 50 ml डाल दिया। अब इसमें गैस चार्जिंग कर लेता हूँ। साढ़े 450 ग्राम गैस डालता हूँ इसमें। तो गैस फिल हो चुका, तो चलो फिर अंदर जाकर कूलिंग टेम्परेचर वगैरह गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और गाड़ी चालू है, एसी चालू है, कूलिंग टेम्परेचर देख लीजिए आप, 8.1 पे आ चुका है, 7.9 पे, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है, 7.8 पे आ चुका है अभी, 7.8 पे ट्रिप मारी है। तो बाकी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो गया, और मैंने आपको दिखाया कि कूलिंग कॉइल कैसे मैंने रिप्लेस किया और लीक हो गया था, देख पा रहे हैं आप, सड़ने को आ गया था, इस वजह से कूलिंग कॉइल लीकेज हो गया था। तो इसका डैशबोर्ड खोलना नहीं पड़ा, साइड से निकल गया, ग्लोव बॉक्स खोल के सब निकल गया, इजीली पूरा प्रॉपर काम हो गया। उसका प्राइस भी मैंने आपको दिखा दिया, 3500 से 3500 के बीच में आ जाएगा आपको इसका एवापोरेटर कॉइल नया ओरिजिनल मिल जाएगा। तो बाकी ये सब चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास गाड़ी तो है लेकिन सर्विस सेंटर में कहीं काम करवाने के लिए जा नहीं सकते हैं, या फिर वहाँ जाकर के काम नहीं होगा, या बहुत दूर है जा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो आप ये घर में मंगा करके, ये ऑनलाइन से परचेस करके भी आप खुद से ये काम कर सकते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।